आप लोगों का सहयोग किए जड़े जड़े तारी रिश्तेदारी है चाहे बरवाड़ा लगा में चाहे आसी लगा में बरवाड़ा लगा में होते सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं दाईमा गांव में जो कि इसार जिले का गांव है और आज अड़क गोरिया दिवस मनाया जान लग रहा है। अगर गोरिया की बात करें जो चिड़िया होया करती पहले देखने न मिला करती क्योंकि जो पहले एली होया करती उनमें आले होया करते ऊपर बारजे होया करते लेकिन ये बात करें तो कितने भी देखने नहीं मिलती है। तो आज अड़क गोरिया दिवस मनाया जान लग रहा है भी देखो अगर बात करें अपने गामा की गामा में पहले क्या होया करता पहले कौवे भी इतने दिखा करते रीव तवे कौवे भी ना दिखते बालक को हाथ में लाडू लेकर लेकर जाया करता सीधे टोले मार दिया करते टोले आले भी वेर निकड़े गए तो चिड़िया तो पाव अकड़े थी। तो राम राम संजना जी। राम राम जी आपको और आपके सभी दर्शकों को। तो संजना जी आज यहाँ पर गोरिया दिवस मनाया जान लग रहा है आपने भी कहा कि पहले दिखा करती सच में दिखा करती हम छोटे छोटे थे उठा करते तो चै 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 नहीं सुनिया करती लेकिन इब तक कितने भी सुनने ना मिलती। बिल्कुल जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2010-11 के बाद से ही गोरैया दिवस बनाना शुरू किया और मैं गर्व से एक बात बताना चाहती हूँ कि भारत देश फ्रांस के साथ मिलके उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया और अब हमारे दाईमा गांव से बलजीत जी इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों को भी निरंतर वो साल पर साल जोड़े जा रहे हैं जैसे पिछले साल भी मैं आई थी आगे भी आशा करती हूँ कि इससे बड़ा और ज़्यादा विशाल गोरैया दिवस का मनाया जाए और इसके लिए मैं इनको बहुत ज़्यादा सराहती हूँ और मैं आशा करती हूँ इनकी मिसाल और भी लोग लें। इनका बेटा तो इनके बच्चनों पे चलना शुरू हो चुका है तो उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ। सर संजना जी पता है मतलब बलजीत यादव का घर ऐसा है जो चिड़िया की चहचहाट सुनेगी आपने शायद पूरे गांव में और कितना सुना आपके गांव में ना सुना आपके घर में ना सुना है। तो देखो गोरिया दिवस मनाना अच्छी बात है लेकिन उसके ऊपर काम किसा कर जान लग रहा है हम अपने आप कितना किस पे वो कर लग रहे हैं मतलब जितना मैंने पढ़ा है जितना मैं देखती हूँ वातावरण क्लाइमेट चेंज इन सब चीज़ों के बारे में बहुत लोग पढ़ रहे हैं बहुत लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन जहाँ बात आती है गोरैया जैसे छोटे जीव जंतु की उनको इग्नोर किया जा रहा है उनके बारे में कोई काम नहीं किया जा रहा है। तो वहीं बलजीत जी जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं और उनका साथ देने के लिए मैं हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहूँगी। देखो संजना जी मतलब अगर आप पूरे हिसार जिले की बात ले लो मतलब मेरे ख्याल से बलजीत यादव के घर में जो चिड़िया किसी के घर में मिले नहीं गया आपने तो मतलब लोग खुद पे कितना काम कर रहे हैं या फिर आप अपने घर में कितने चिड़िया रखो हो। मुझे भी बलजीत जी ने तोहफे के तौर पे एक घोंसला दिया है वो मैंने अपने ऑफिस में ही स्थापित किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऑफिस में भी जब मैं जाऊँ तो फिर वो चहचहाहट मुझे सुनाई दे जैसा मैंने आज जो प्रोग्राम के दौरान भी बताया था कि आजकल के टाइम पे मेडिटेशन के लिए भी जो है कैसेट लगा के गोरैयाओं की आवाज़ सुनी जाती है तो वही अगर घर पे वही आवाज़ें सुनने लग जाएं फिर से तो लोगों को मेडिटेशन के लिए बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। देखो मतलब गोरिया खत्म होने का एक कारण है जैसे बलजीत जी है मैंने इनके घर पर विजिट किया है आपने शायद कराया है या पता नहीं तो आप इनके है ना दीवारा पर देखिए वो खिचड़ी दरी पाओगी चावल दरे पाओगे क्योंकि उन चिड़िया के लिए मेहनत भी करनी पड़े अपने बच्चे की तरह पाल रहे हैं उन्हें। बिल्कुल हम लोग अपने व्यस्त जीवन में ये काम तो कर देते हैं कि पानी हर रोज डाल दिया दाने हर रोज डाल लिए पर ये चीज़ देखना भूल जाते हैं कि उन वो चिड़िया उसमें आ रही हैं या नहीं आ रही और ऐसी जगह पे मैं तो ये काम करती हूँ और उसका भी श्रेय मैं इन्हीं को दूंगी क्योंकि इन्होंने वो आँखों में बोलते हैं ना जागरूकता फैलाई है कि अब हमें अपनी चिड़ियाओं के बारे में भी सोचना है तो पहले मैं नहीं करती थी पिछले साल मैं इनसे मिली और इनसे मिलने के बाद ही मैंने ये स्टार्ट किया है कि मेरे घर पे भी एक बाउल में दाने रखते हैं और एक पानी रखते हैं ताकि चिड़िया हमारे घर पे आए। चिड़िया को ये माना जाता है वो भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है जिस घर पे चिड़िया आ रही है उस घर पे भगवान आ रहे हैं। तो बलजीत यादव की इस मेहनत के लिए क्या कहोगे संजना जी। जी मैं इसके लिए इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ सबसे पहले क्योंकि ये इन्हें शायद इस बात के बारे में नहीं पता होगा कि ये छोटा कदम नहीं है बहुत बड़ा कदम इन्होंने उठाया है और इन्होंने उठाने के साथ साथ ये जो काम कर रहे हैं उसकी जागरूकता फैलाने का काम भी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और इनका धन्यवाद करती हूं ये कदम उठाने के लिए। राम राम बलजीत जी। राम राम जी। आज तो बहुत इमोशनल हो गए पाखे में आंसू आ गए आपका आप माइक पर बोल भी नहीं सके। बिल्कुल आप आए सभी आए सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व गोरैया दिवस पर पूछे हैं मेरी यह सोच है कि जहाँ जाओ का फोन आ वहाँ वहाँ मैंने घोसला पहुँचाया है और मैं उतने 65 गांव में घोसला गोरिया संरक्षण का देश। बलजीत जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगी घोसले तो आपने पहुँचा दिए लेकिन यूँ बता दो चिड़िया क्यों कराओगी उनमें।
चुड़िया जड़े घोसा लगा मेरे सर चिड़िया आई है मेरे घोसले में। अच्छा। जड़े मैं लगाए वहाँ सब के वो करे। देखो हम छोटे छोटे थे ना, हमारी मानू का आगरती बेटी स्कूल में जाना था, पहले दो मुट्ठी बाजरे की भर लिया, छात पर गिर गई चिड़िया खा ले, लेकिन वो चीज हम भूल गए, करते ही नहीं है। याद दिलाने का काम बलजीत जी ने किया है। जी। तो मतलब ये देखो यहाँ पास गोरिया दिवस मनाया जान लग रहा है, तो आप के को नरेश जी? ऐसा जी, आपके चैनल को टीम नरेश की तरफ से और सबसे अरे भारत के सबसे सुंदर गांव ग्राम पंचायत दाणा खुर्द की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं जो आप बलजीत की बातों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं आपको बता दूँ, हमारे गाँव में हमने घोंसले नहीं लगाए, हमने पक्षियों को रहने के लिए 4,500 पौधे लगाए। उन वो पौधे कई काम करते हैं, वो आने जाने वाले को छाया भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, और आप पक्षियों की चहचहाट देखेंगे, मेरे गांव में बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और सन 2019 से मैंने ये कार्रवाई शुरू करी। आज आप चलोगे, मेरा मकान बना हुआ है, उसके ऊपर धौलपुर पत्थर लगा हुआ है, ऊपर की मंजिल पूरी की पूरी आपको पक्षियों की बीट से सफ़ेद मिलेगी। आप कभी भी कैमरा लेके वहाँ सकते हो, हमारे गाँव का भी आप आगे दिखा सकते हैं, कभी भी आप आओ, आपका स्वागत है। मैं आपको दिखाऊँगा पक्षियों को पालने के लिए बलजीत भाई ने हमारे को मोटिवेट करा, और बलजीत भाई ने कहा कि मैं अकेला पड़ गया, मैं तू अकेला को नहीं, टीम नरेश के 11,600 महिलाएं और 10,700 युवा आपके साथ खड़े हैं, जड़े भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी बलजीत भाई का तन मन और धन सब कुछ लगा देंगे और इस पर्यावरण को हम बचा के रहेंगे। देखो नरेश जी, आपकी बात सुनकर एक कहावत याद आएगी, बड़े बुजुर्ग का अगर बोला नार होगा बांस और नार बजेगी बांसुरी। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो चिड़िया खड़े आवेंगी। तो पेड़ पौधे हम लगा रहे हैं ना, और टीम नरेश का एक संकल्प है 5 करोड़ पौधे लगाना है, 15 लाख पौधे हम लगा चुके हैं, आपको हम दिखा देंगे और गिनवा देंगे। अभी हर गांव में एक हर्बल पार्क हम बना रहे हैं, जो हमारी माताएं बुजुर्ग गोड्डे में दर्द हो गया, कूनी में दर्द होगी, मेरे गांव में आपने यो कहनी है एक आदमी नहीं पाओगा, 3 साल पहले पार्क बना था। ऐसे ऐसे पार्क हमने बुमराह में बनाया है, आपको मैं इन्वाइट करता हूँ शहीद भगत सिंह पार्क के नाम से, 24 तारीख को उसका उद्घाटन है, शहीद भगत सिंह जयंती पर शाम को उसका उद्घाटन करेंगे, सुबह उसका भंडारा है, तो आप 24 तारीख को वहाँ जरूर पहुँचना, उस पार्क को आप देख के बताना कि अब बीमारी उमरा में रहेगी या नहीं रहेगी। देखो कितने की हमारा पर्यावरण बदलना आ गया है, तो इस चीज़ के सारे हम खुद जिम्मेदार हैं, पेड़ काटे जानना आ गए, अपनी जरूरता खातर लगातार धरती ने घेरना आ गए हैं। मैडम जी अब यहाँ पे नहीं है, उन्होंने बताया भी था कि मतलब हमें खुद इस चीज़ के जिम्मेदार, और आने वाले समय में इसके साइड इफेक्ट बड़े होंगे, और जब हमारे काबू तो क्या करा ना, जब सांप लकड़ गया पाछे तय लकीर ने छेते जाओ, तो फिर कुछ नहीं बनाएगा। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी। तो सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे? ये जो भाई बलजीत ने ये मुहिम छेड़ी है, इसका मैं तय दिल से स्वागत करता हूँ, और जो हमारा पर्यावरण का बचाने का, अब ये जो पशु पक्षियों को इनको ये इंसान हम एक हमारा सभी का एक जबान इंसान को दी है और सभी का मुंह बंद है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको सभी को उनको खिलाएं, भी भूखे पेट आए हैं तो हमारा उनको सभी को वो बनता है। तो मैं बहुत बहुत बलजीत भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा काम की शुरुआत की है। बिल्कुल। तो भाई देखो आज यो जो प्रोग्राम था यो दाई माँ में था, बिल्कुल पंचायत भवन है, और बराबर में आप देखोगे कि बलजीत यादव का घर है, और उड़ जाओगे ना आप, मतलब तड़के सांझ इतनी सुथरी आवाज सुनेगी, मेरे ख्याल में इतनी शांति आपने कितने भी नहीं मिलेगी जरा बलजीत यादव के घर में मिलेगी। चगरदे के पेड़ पौधे लाग रहे हैं और घोंसले लगा रखे हैं, और चिड़िया निकलेगी और बढ़ेगी, और इतनी सुथरी लग है, मेरे ख्याल तो छोटे छोटे देखे अगर तई बाड़ है आकर चिड़िया दिखा है, चिड़िया दिखनी बंद होगी है। तो आप भी शुरुआत करो, आप भी घोंसले लगाओ, मेहनत करा करो, दाना घेरा करो, पानी रखा करो, क्योंकि गर्मी शुरू होगी है, ये भी इतनी गर्मी में वो भी मरेंगी। पहले हम छोटे छोटे देखा करते कि तो पानी मिल जाएगा ना चिड़िया ना, उसके मैं ना आया करती, लेकिन पानी ना पता सुकन लाग रहे हैं, सारी चीज़ आप हमने कब्जा कर लिया है, तो भाई शुरुआत करो, शुरुआत की ज़रूरत है। तो ज़रूर बोलना चाह रहे हो कुछ? हाँ जी बोलो। नमस्कार मैम जी। नमस्कार। मेरा नाम धर्मपाल है जी, गाँव उमरा है जी, ये सरपंच साहब मेरे गाँव के ही है जी, उप सरपंच है, इनसे मिल के मेरी बहुत खुशी हुई जी। लेकिन ये जो विनोद जी है, ये भी मेरे को एक दिन शादी में मिले थे जी, इतनी खुशी हुई इनको मिलने से कि इन्होंने मेरे गोदी में उठा लिया था जी। लेकिन मेरा कर्तव्य ये है जी, किसान को अच्छे अच्छे बीज, अच्छी अच्छी दवाइयों के बारे में जानकारी देनी जी, उनकी मिट्टी पानी जांच करवाना जी। मेरा ये उद्देश्य नहीं है जी कि भाई मैं बीज बेच के या कोई दवाई बेच के मेरा बिजनेस चलाता जी। कुछ किसान मेरे को कहते हैं भाई ये तो अपना बीज बेच के या दवाई बेच के अपना बिजनेस चला हुआ है, मेरा कोई बिजनेस कौन जी। मैं ग्राम उन्नति का नाम था एक ऑफिस है जी, उसमें मेरी जॉब करूँ जी, 12,000 रुपये मेरी सैलरी है। मैं किसान को यही देऊँ जी, आप कम से कम यूरिया DAP केमिकल डाल लो और अपना गोबर की खाद डालो जी, पशु रोड़ा पर घूमा है जी, इनका पशुओं का गोबर आपको कुछ दिन के बाद में मिलने को नहीं पाएगा जी। और क्या है नालियाँ में बह दे हैं जी, आजकल लेडीज के कह रहे हैं नलकी चलाओ जी, वो पानी को भी खराब करे साथ के साथ गोबर को भी खराब करे जी, उससे गंदगी फैले मैडम जी। मेरा कहने का उद्देश्य यही है जी, किसान
जागरूक हो जी। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम है जी धर्मपाल। मोबाइल नंबर है जी मेरा 93573608 जी। गरीब घर का बच्चा हूँ जी, मेरे का खाने की इच्छा कौन जी, किसी का मैं खुआना चाहूँ जी। जो सलाह है मेरे पास वो आज किसी के पास कौन जी। ऑर्गेनिक खेती करूँ जी, 3 किलो जमींदार हूँ। मेरे खेत में 15 मेल की सब्जियाँ हैं, आज के दिन 10 मेल के फ्रूट है जी, 4-5 मेल के मेरे खेत में होम्योपैथी के पौधे हैं, सब ऑर्गेनिक है जी। मेरी दिल्ली गुड़गांव तक सब्जी जा लीजिए, जापान में मेरी मैडम है के वो मेरे घर पर आके मेरे को सम्मानित में 5.5 लाख का सोलर प्लांट दे की गई है जी। ये मेरा कहने का मतलब था जी, कोई गलती हो मेरे को माफ करना मैडम जी। तो धर्मपाल जी ऑर्गेनिक खेती करा है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जिस प्रकार से हम आज के टाइम में स्प्रे यूज करना आ रहे हैं, जहर या यूज करना आ रहे हैं, तो मतलब जिस प्रकार से सब्जी गल जाग रहे हैं तो आजकल इंसान गल ना आ रहे इस प्रकार से, क्योंकि हमारा खान पीन है सारा ऐसा हो रहा है। तो साथियों इन सारी चीज़ों ने लेकर आपका क्या कहना है जरूर बताइए, और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि कुछ अमल हो सके। जय हिंद।